नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इनिशियल स्टेज पर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अभी आप रीसेलर हो, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आपके पास वही पैसा है 5,000-10,000 रुपए, तो उसमें आप खुद का स्टॉक रखे अपना बिजनेस किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, कैसे आप माल लोगे, कैसे उसे सेल करोगे, कहाँ पर सेल करोगे, किस तरीके से काम करोगे, उसकी बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैंने भी जब अपना काम स्टार्ट किया था तो इनिशियल स्टेज पर बहुत ही मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग में तो हमने, जैसे आपने भी मैंने भी रीसेलिंग की थी, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसके बाद उसमें से पैसा कमाया, उसके बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। मोस्टली लोगों ने तो पैसा कमाया और अपनी जरूरतों में ऐश मौज में खर्च कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, मेरे जैसे लोगों ने, उस पैसे को बिजनेस में यूज किया और आज अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर लिया, लेकिन फिर भी 10-20 हज़ार रुपए हर किसी के पास होते हैं। तो मैं आपको 4-5 आइडिया दूंगा, जितने भी रीसेलर हैं, कोई भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो 4-5 आइडिया में से कोई ना कोई आइडिया आपके काम का जरूर होगा, जरूर आपके काम आएगा, और चारों पांचों आइडिया एक ऐसे आइडिया हैं जिन पे मैंने खुद पर्सनली काम किया है और बहुत सारे आइडियों में मैं सक्सेस हुआ हूं, तो उनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको यह देखना है कि आप कर क्या सकते हो, आप क्या सेल कर सकते हो, सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना है। दूसरी चीज आपको यह देखना है कि उस चीज की मार्केट में डिमांड है या नहीं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मैंने जब बिजनेस शुरू करने की बात सोची थी तो मैंने ये सोचा, यार मैं क्या काम कर सकता हूं, ये सबसे बड़ा इशू था, क्योंकि काम तो सभी कर रहे हैं लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं किस काम को चला सकता हूं। तो मेरे को फाइनली देखा कि यार हमारे आगरा में सूज की मैन्युफैक्चरिंग होती है, घर घर में जूता बनता है, तो क्यों ना सूज का ही काम कर लें। लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी आता, यार सभी सूज का आगरा में कर रहे हैं तो फिर मैं भी उसी लाइन में जाऊंगा, तो फिर यूनिक कैसे काम होगा, बिजनेस यूनिक कैसे होगा, इस बिजनेस इसको बड़ा कैसे बनाएंगे। तो मैंने सोचा कि मोस्टली लोग ऑफलाइन में करते हैं, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग चलती है, तो हम इसे ऑनलाइन में ले जाएंगे, इसे डायरेक्ट रीसेलर्स को माल देंगे, Amazon, Flipkart इधर उधर सेल करेंगे। तो इस तरीके से मेरे को आइडिया आया। सेम आपको भी यही सोचना है कि आप किस प्रोडक्ट में, किस कैटेगरी में, किस सर्विस में जाएं, उसके बाद आप इस काम को शुरू कर दीजिए छोटे से इन्वेस्टमेंट से। यानी कि हो सके तो इनिशियल स्टेज पर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं। जैसे आपको ऑर्डर आए, तुरंत आप उस माल को लो और उसके बाद आप उसे कुरियर करा दो। तो दोस्तों ये किस तरीके से होगा वो भी मैं अभी बताऊंगा। इसके अलावा दूसरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं, बहुत सारी चीजों की लोगों को जरूरत होती है लेकिन वो चीजें अलग अलग जगह पे मिलती हैं, आप उन सभी चीजों को इकट्ठा करके एक साथ कॉम्बो बना के भी सेल कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमने अभी एक सर्विस स्टार्ट की थी कि डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल कोई भी व्यक्ति हमसे शुरू करवा सकता है, यानी कि आपने देखा होगा YouTube पर न्यूज चैनल चलते हैं, तो इस तरह के न्यूज चैनल कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है, लेकिन हर कोई क्यों शुरू नहीं कर पाता, क्योंकि इसका हर काम अलग अलग जगह से होता है। जैसे माइक वगैरह खरीदने हैं वो आपको एक अलग जगह से खरीदने पड़ेंगे, उनको प्रिंट करवाना है, लोगो वगैरह लगवाना है, जो न्यूज माइक होते हैं वो एक अलग जगह से होते हैं, गले के आईडी कार्ड बनवाने हैं वो एक अलग जगह से होते हैं, न्यूज चैनल का रजिस्ट्रेशन करवाना है वो एक अलग जगह से होता है, लोगो वगैरह बनवाने हैं, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर न्यूज चैनल चलाओगे तो लोगो बनवाने पड़ेंगे, वो अलग जगह से होती हैं, यानी कि ये सभी चीजें फैली हुई पड़ी थी। तो मैंने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई ये सारी चीजें फैली पड़ी हैं, इन्हें अगर एक ही जगह इकट्ठा कर दिया जाए और लोगों को एक कंबाइन प्लान बता दिया जाए कि अगर आप लोग अपना डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल शुरू करना चाहते हो फेसबुक और यूट्यूब पर, तो सारी चीजें हम दे देंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, प्रिंटिंग का काम हम कर देंगे, लोगो भी हम दे देंगे, चैनल आर्ट भी हम बना देंगे, रजिस्ट्रेशन भी हम कर देंगे, सामान भी हम दे देंगे, माइक भी हम दे देंगे, सब कुछ हम कर देंगे, लेकिन टोटल पैसा आपको इतना में देना पड़ेगा। तो लोग तैयार भी हो जाएंगे कि दर दर भटकने से अच्छा इनको पैसा दे दो, सारा काम यही कर देंगे। तो ऐसी चीज आप देख सकते हैं कि जिसमें आप इधर उधर से सभी जगह से सारी चीजें कलेक्ट करो और उन चीजों को इकट्ठा करके सेल करो। तीसरी चीज, आप ऐसी कोई चीज देख सकते हैं जिसमें आपकी हॉबी हो और उस हॉबी को आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट की मैंने एक स्टोरी आपको सुनाई थी, एक लड़की की स्टोरी, जिसने क्या किया था,
उसे प्लांट लगाने का बड़ा शौक था, उसने अपने घर में प्लांट लगा दिए और उन प्लांट की वो वीडियो बना के इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर डालती थी। उसके बाद वो वीडियो इतनी ज़्यादा लोग पसंद करने लगे कि उसे मैसेज करने लगे कि हमें ये प्लांट चाहिए। अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं, मनी प्लांट होता है, छोटे छोटे प्लांट होते हैं। तो उसने क्या किया, उसने मेरे से बात की और उसका मैंने पूरा सिस्टम बताया कि आप लोग क्या कर सकते हो, ये प्लांट को भी कुरियर करा सकते हो। तो उन्होंने मेरे से बात की और उसके बाद आज के टाइम पर वो पर डे के 30 से 40 ऑर्डर प्लांट के ले रहे हैं, यानी कि खुद ही प्लांट उगाते हैं, खुद ही उन्हें सेल कर रहे हैं और उससे पैसा कमाते हैं। मिनिमम ऑर्डर वो 500 रुपए का लेती हैं और 500 रुपए के हिसाब से डेली के 30 से 35 ऑर्डर निकाल रही हैं, यानी कि 15,000 रुपए नेट मार्जिन पर डे का कमा रही हैं। नेट सेल 15,000 की उनकी हो रही है। तो उनको इसमें दिलचस्पी थी और उसके बाद उन्होंने उसी काम को अपना बिजनेस बना दिया। तो ऐसा अगर कोई चीज दिखती है आपको जिसमें आपकी दिलचस्पी है और उसको आप एक काम में बदल दो, अपने एक बिजनेस में बदल दो, तो भी वो चीज हो सकती है। अब भाई आपको ये शुरू कैसे करना है, पहली चीज आपको यही डिसाइड करना है, आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो वो प्रोडक्ट कहां से खरीदना है, या कोई सर्विस सेल करनी है तो वो सर्विस आपको कहां से मिलेगी, 4-5 जगह से आइटम इकट्ठे करके एक ही कॉम्बो बना के आपको सेल करना है तो वो 4-5 जगह कौन सी होंगी जहां से आप वो खरीद के लाओगे, ये प्लानिंग आपको करनी होगी। यानी कि आपको ये प्लान करना होगा कि आप करना क्या चाह रहे हो। तो बहुत चीजों की जब प्लानिंग हो जाएगी कि इस तरीके से हम यहां से ये सामान लाएंगे या यहां से ये सेटअप करेंगे या हम नर्सरी में बात करेंगे तो वहां से हमें पेड़ मिल जाएंगे, तो एक तरफ आपने ये डिसाइड कर लिया। दूसरी चीज आती है कि उन्हें सेल कहां पे करेंगे, तो सेलिंग की बात आती है तो सेलिंग करना आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा इजी है। आज के टाइम पर हर कोई सेल कर सकता है। आज के टाइम पर सेल करना उस समय इजी है जब आप अच्छी अच्छी रील्स बना पाओ, शॉर्ट वीडियो बना पाओ, तो आप बिना पैसे खर्च किए सेल जनरेट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, जैसे मान के चलो जैसे मैं सूज की कैटेगरी में डील करता हूं, तो मैं सूज की छोटी छोटी रील्स बनाऊंगा 30 सेकंड की, 40 सेकंड की, और उनको इंस्टाग्राम पेज बनाकर वहां इंस्टाग्राम पे डालूंगा, यूट्यूब पर चैनल बनाऊंगा, यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स होती हैं उसमें उनको डालूंगा तो यूट्यूब पे भी डलेंगी, रील्स में भी डलेंगी, फेसबुक पेज बनाऊंगा वहां फेसबुक पे भी डालूंगा। तो होगा क्या, जब सभी जगह डलेंगी छोटी छोटी वीडियो जिनको लोग देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, उनके साथ ट्रेंडिंग सॉन्ग लगाऊंगा तो उसके बाद लोग देखना जरूर पसंद करेंगे। जब लोग देखेंगे रेगुलर तो उनको हमारे प्रोडक्ट भी पसंद आएंगे, जभी तो वो देख रहे हैं, और जब प्रोडक्ट पसंद आएंगे तो मोस्टली चांस होंगे वो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेंगे, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करेंगे और उसके बाद फाइनल हमारी वहां से सेल जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। अब भाई इस तरीके से आप सेल जनरेट कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक पेज से, यहाँ पे रील्स डालोगे। सबसे पहला आपका टारगेट रहेगा कि आप जो भी रील डालोगे वो लोगों को पसंद आनी चाहिए, सेल के पर्पज से नहीं। उसमें ऐसा गाना लगाओ कि गाने को सुनते ही हर कोई मदमस्त हो जाए, उसे वीडियो भले ही समझ ना आए लेकिन गाने को सुनने जरूर आए। दूसरा, जो लोग उस वीडियो से कनेक्ट हों, जो लोगों को वीडियो पसंद आए वो लोग आपकी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और आपको कमेंट भी करें, जिससे आपकी वीडियो पे एंगेजमेंट आए, ऑल ओवर आपके फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर अच्छा एंगेजमेंट लोगों का आए, जिससे आपका जो ग्रुप हो, नेटवर्क हो, वो बढ़ता चला जाए। तो काफ़ी सारे लोग इसी तरह से अपने बिजनेस का सेटअप कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैंने भी किया है और मैं अभी भी कर रहा हूं। तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप ये डिसाइड करिए, बैठ के प्लानिंग करिए कि आपको क्या काम करना है, किस लाइन में जाना है, किस प्रोडक्ट में जाना है, सर्विस में जाना है या मल्टी प्रोडक्ट को एक साथ इकट्ठा करना है, एक सेक्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हैं। फाइनली वो डिसाइड करके उस चीज को प्रमोट करना है सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनके माध्यम से प्रमोट करना है, अपनी ही खुद की शॉर्ट्स रील्स वगैरह बना के डालनी है और वहां से लोगों को एंगेज करके अपने पास लाना है और उसके बाद फाइनल सेल जनरेट करनी है आपको। तो दोस्तों आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, छोटा सा शुरू कर लीजिए, बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं, चाहे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट करो चाहे इन्वेस्टमेंट के साथ करो, लेकिन एक छोटा सा बिजनेस जरूर स्टार्ट कर लीजिए, जिससे आपको कभी भी रीसेलिंग के भरोसे ना रहना पड़े, आपका खुद का बिजनेस रहेगा, आप अपने हिसाब से चलाओगे और अपने बिजनेस को करने में एक अलग ही खुशी मिलती है। तो दोस्तों ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।